तो हेलो गाइस, माय नेम इज जय किशन एंड यू वाचिंग जैकी टेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के इस वीडियो में पोको एक्स फोर प्रो 5G के बारे में बताने वाला हूँ। इसका जो अपडेट आया था इसके पहले, उसी अपडेट के बारे में बात करने वाला हूँ। और आप लोग का सवाल, बहुत सारे लोग का सवाल ये है कि भाई अपडेट के बाद क्या ब्लैक स्क्रीन वाला क्रश वाला इशू फिक्स होगा कि नहीं। तो भाई मैं बताना चाहता हूँ कि डायरेक्टली मैं बोलूँगा एक शब्द में, वो जो इशू है बिल्कुल भी फिक्स नहीं हुआ है। मतलब जैसे था वैसे ही सेम टू सेम है। तो गाइस मैंने सारे चीज़ें नोट डाउन करके रखा हुआ है यहाँ पर, आप देख सकते हो। आपको वैसे दिखाई देगा, मैं पढ़ पढ़ के बताता हूँ। और फिर भी यहाँ पर जो प्रॉब्लम, पहला प्रॉब्लम है लोगों का ये है कि डिस्प्ले प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं भाई। तो भाई डिस्प्ले प्रॉब्लम बिल्कुल भी सॉल्व नहीं हुआ। दूसरा लोग का, बहुत लोग का सवाल ये है कि भाई चार्जिंग फुल करने पे 3% जो ड्रॉप होता था, क्या वो ड्रॉप हो रहा है अभी भी या फिर नहीं हो रहा है। तो मैं स्टिल बोलना चाहता हूँ कि अगर आप फुल चार्ज करते हो फिर भी आपका 3% जो है ड्रॉप हो जाता है। मतलब फुल चार्ज करने के मतलब एक दो मिनट के अंदर अचानक से 3% ड्रॉप हो जाता है। पता नहीं क्यों, ये क्या इशू है, आई डोंट नो। कंपनी को जरूर से फिक्स करना चाहिए चीज़ें, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इसमें प्रॉब्लम आ रहा है कि कैमरा इंप्रूवमेंट होना चाहिए भाई। इसमें जो कैमरा मतलब अपडेट आया है उसमें कैमरा इंप्रूवमेंट बिल्कुल भी नहीं हुआ है। थोड़ा सा भी कैमरा इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है, बट स्टिल मेरे हिसाब से कैमरा इंप्रूवमेंट होना चाहिए, बट नहीं हुआ है, ठीक है। उसके बाद बात करें, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि इसका UI में कुछ मतलब अच्छा हुआ कि नहीं, कि वैसा का वैसा ही UI है। बट मैं बोलना चाहता हूँ कि UI में बिल्कुल भी चेंजेस नहीं हुआ है। जैसे UI था पहले, सेम टू सेम वैसे UI अभी भी है, बिल्कुल भी चेंजेस नहीं हुआ है, ठीक है। उसके बाद पूछ रहे थे यहाँ पर बहुत सारे लोग, यूट्यूब में आप मतलब 1080p 60fps पे देख सकते हो, लेकिन अगर आप 2K में देख सकते हो तो कितना अच्छा रहता। बट कंपनी ने मतलब बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि 2K में आप वीडियो प्ले कर पा रहे हो कि नहीं अभी। तो बट अभी भी यहाँ पर 2K का सपोर्ट नहीं आया है। पता नहीं फ्यूचर में आएगा कि नहीं आएगा, आई डोंट नो। मतलब अभी तो नहीं आया है फिलहाल, जो बात है वो साफ है। और पूछ रहे थे कि कैमरा में क्या मतलब रिकॉर्डिंग मतलब बढ़ा है कि नहीं, यानी कि 1080p 60 1080p 30fps में इसमें नॉर्मली शूट कर सकते हो, बट इसमें क्या 4K या फिर 2K या फिर 1080p 60fps का ऑप्शन आया है कि नहीं आया है। तो मैं बताना चाहता हूँ साफ साफ कि नहीं आया है, बिल्कुल भी नहीं आया है। आप 1080p 30fps में अभी भी वीडियो शूट कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते हो। तो गाइस अब बात करते हैं इसमें चेंजेस क्या क्या हुआ है। तो भाई नाइट स्टैंड बाय, यानी कि जब आप मोबाइल को रख देते हो शाम को, मतलब चार्ज करके रख देते हो, तो स्टैंड बाई में मोबाइल आपका थोड़ा सा बेटर परफॉर्म कर रहा है। पहले ज़्यादा बैटरी ड्रेन होता था, आप रख देते थे मोबाइल नहीं चलाते थे तब, लेकिन अब के मामले में थोड़ा सा कम हो चुका है। ये चीज़ काफ़ी अच्छी बात है। आपको ये चीज़ फील हुआ कि नहीं हुआ, जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ आप लोग मुझे कमेंट में जरूर से बताना। यहाँ पर हाप्टिक फीडबैक, जो फीडबैक है ना, हाप्टिक फीडबैक वो थोड़ा सा मेरे को बेटर हो गया ऐसा लग रहा है मुझे। आपको कैसा लग रहा है आप लोग बताओ जरूर से मुझे कमेंट में, ठीक है। उसके बाद नोटिफिकेशन में थोड़ा सा चेंजेस हुआ है, नोटिफिकेशन में हल्का सा मतलब आपको इफेक्ट में पता चल गया होगा चेंजेस हुआ है थोड़ा बहुत, ठीक है। उसके बाद कैमरा मॉड्यूल, जो कैमरा मॉड्यूल है ना, कि कैमरा ओपन करते हो जो मॉड्यूल आता है, उसमें थोड़ा सा चेंजेस हो गया है, ठीक है। उसके बाद एंड्रॉयड वर्जन, सबसे मेजर तो बात यही है भाई, एंड्रॉयड 12 आ चुका है, सुन सकते हो। एंड्रॉयड 11 से एंड्रॉयड 12 आ चुका है। और आप लोग अपडेट ये वाला किए हो कि नहीं किए हो, अगर आपके में आया है और आप लोग ने किया है कि नहीं किया है, आप लोग मुझे कमेंट में बताओ यार। आप लोग बताते नहीं हो, आप लोग बताओ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो स्क्रोलिंग है स्मूथ हो गया, थोड़ा सा स्मूथ हो गया पहले से, मतलब पहले के मुकाबले थोड़ा सा मेरे को बेटर लगा, अच्छा लगा, मतलब थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, मतलब चलाने में मोबाइल स्क्रोलिंग वगैरह करने में काफ़ी ठीक लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो ये सारे चीज़ें चेंजेस हो चुका है इस मोबाइल में फाइनली। तो गाइस ये सारे चीज़ें तो हो गए, चलो कुछ अब कॉमेंट्स भी पढ़ लेते हैं और आप लोग के सवाल का जवाब भी देता हूँ। तो ये रहा अपना पोको एक्स फोर प्रो 5G, और इसी में सारे मतलब सवाल को ऐड कर दिया हूँ यहाँ पर, आप देख सकते हो। आपको स्क्रीन पे भी दिखाई देगा क्या क्या सवाल किसने क्या पूछा है। तो चलिए फटाफट से सवाल को स्टार्ट कर लेते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। और बहुत सारे लोग का सवाल ये है, मतलब कुछ लोग का सवाल है कि भाई पोको एक्स फोर प्रो ले लूँ या नहीं लूँ, प्लीज़ बताओ। मेरे हिसाब से ले लूँ, अभी भी सही चल रहा है, अभी मतलब ठीक चल रहा है, उतना भी ख़राब नहीं जितना आप लोग मतलब हम लोग यूट्यूबर लोग बता दिए इसको ख़राब इतना ही है, ऐसा नहीं है, ठीक है, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा सवाल ये है, 120Hz कैसे यूज़ करते हो भाई इस मोबाइल पे, साला स्क्रीन फ्लिकरिंग इतना होता है कि 120Hz यूज ही नहीं कर पाता, ट्यूबलाइट जैसा ब्राइटनेस अप डाउन करता है। तो भाई मेरा ऐसा तो नहीं रहता है, मतलब मेरा तो नॉर्मल रहता है, मतलब चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग कैसा है 120Hz आप लोग मुझे कमेंट बताना। इनके मतलब यूनिट में ऐसा लग रहा है मुझे कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम है, तो मेरे हिसाब से अगर इनके में ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है तो आप सर्विस सेंटर जाओ, वहाँ पे विजिट करो, वहाँ से आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया जाएगा मेरे हिसाब से, ठीक है। अगर चलता है कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया चलता है तो कोई दिक्कत नहीं, आपको चलाओ, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर सवाल लेते हैं, पोको M3 में कब अपडेट आएगा। तो भाई पोको M3 में भी जल्दी अपडेट आ जाना चाहिए, बट आई डोंट नो, बहुत सारे मोबाइल लोग का मतलब बहुत सारे लोग का मोबाइल डेड हो गया, इसके वजह से शायद वो लोग हो सकते हैं कंपनी वाले जो है अपडेट नहीं दे रहे हैं, मे भी हो सकता है, ठीक है। दूसरा यहाँ पर कमेंट है कि ब्रो एंड्रॉयड 12 के बाद BGMI में भयंकर लैग हो रहा है, प्लीज़ सोल्यूशन बताओ, पूरा गेम लैग हो रहा है।
तो भाई मैं तो भाई BGMI खेलता नहीं हूँ तो मुझे अच्छे से नहीं पता रहेगा, बट आप लोग ट्राई कर रहे ना, मेरे हिसाब से ठीक चल रहा होगा। अपडेट के बाद हो सकता है ख़राब हो गया हो, बट आई डोंट नो। मैं तो BGMI नहीं खेलता हूँ और मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप लोग भी मत खेलो, क्योंकि भाई BGMI तो बंद हो चुका है इसके वजह से, ठीक है। दूसरा यहाँ पर कॉमेंट है, अपडेट करने के बाद कुछ प्रॉब्लम आया है, कैसे बग्स और एंड्रॉयड 12 के अपडेट कैसे है, उस पर वीडियो बना दे भाई। तो ठीक है, आप लोग कर सकते हो, बहुत सारे लोग में कुछ अजीब अजीब से प्रॉब्लम आ रहे हैं, तो अपना देख सकते हो। अगर आपको फोर्स है, ज़रूरी है, एंड्रॉयड 12 चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, सिक्योरिटी मतलब इंपॉर्टेंट है, तो आप अपडेट कर सकते हो। अगर नहीं चाहिए, जैसा चल रहा है वैसे ही चलेगा, मतलब चला सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं, आप अपडेट मत करो, ठीक है। लेकिन अगर आप नए चीज़ चाहते हो, कुछ बग्स भी रहेगा तो भी चल जाएगा, तो आप फटाफट से जाओ अपडेट कर लो, ठीक है। दूसरा कमेंट की बात करें तो यहाँ पर मेरे को कमेंट है, भाई प्लीज़ बताओ 4G प्लस काम करते हैं आपका डिवाइस में? तो भाई मेरे डिवाइस में तो भाई जियो का सिम नहीं लगा है, बट आई डोंट नो मेरे में काम करता है कि नहीं काम करता है, मैं तो उतना ध्यान देता हूँ, बट स्टिल 4G काम कर रहा है, अभी भी कोई दिक्कत नहीं आया, एकदम परफेक्टली फाइन कर रहा है 4G, मतलब मेरे डिवाइस में। जियो का सिम नहीं लगा है इसमें तो मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, बट ठीक है, मेरे हिसाब से अच्छा काम कर रहा होगा। दूसरा कमेंट है, भाई आफ्टर अपडेट एक्सपो प्रो में हाप्टिक फीडबैक डिक्रीज हुआ है? भाई मुझे तो ऐसा नहीं लगता है डिक्रीज हुआ है, बट आपको ऐसा लग रहा है तो हो सकता है डिक्रीज हुआ हो, बट मुझे ऐसा कोई भी फील नहीं हुआ कि इसमें हाप्टिक जो फीडबैक है वो डिक्रीज हुआ हो, मेरे को तो ठीक लगा, कोई ख़राबी नहीं लगा, सही है। दूसरा कमेंट है यहाँ पे, भाई मेरा रिप्लाई जरूर देना, भाई मेरा फ़ोन अपडेट करने के बाद भी ब्लैक प्रॉब्लम, मतलब ब्लैक स्क्रीन प्रॉब्लम ठीक नहीं हुआ है, क्या करूँ प्लीज़? तो भाई इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता, आप भी कुछ नहीं कर सकते। हाँ, ये काम कर सकते हो, अगर आप इसमें नया सॉफ्टवेयर डाल देते हो, कस्टम रोम डाल देते हो, तो आपका मोबाइल सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट मेरे हिसाब से आप नहीं डालोगे, मैं भी नहीं डालूंगा, तो सिंपली सॉफ्टवेयर अपडेट का वेट करेंगे, दैट्स ऑल। नेक्स्ट कमेंट देखते हैं, तो नेक्स्ट कमेंट है, भाई बैटरी इम्प्रूव हुआ क्या? मतलब हुआ क्या बेसिकली लिखे हैं, तो बैटरी इम्प्रूव तो मेरे हिसाब से नहीं हुआ है, जैसा बैटरी मतलब चलता था सेम टू सेम वैसा भी चल रहा है, बस स्टैंड बाई में थोड़ा सा मेरे को बेटर लग रहा है, मतलब रात को मोबाइल पर रख देने के बाद थोड़ा सा बेटर हो गया है, ठीक है। दूसरा कमेंट है, भाई परफॉर्मेंस टेस्ट करो आफ्टर एंड्रॉयड 12 अपडेट एंड लैग हो रहा है कि नहीं? भाई लैग तो थोड़ा सा मतलब ऐसा मुझे लगा, हल्का सा लैग हो रहा है डिवाइस कभी कभी, मतलब रीस्टार्ट करने पे जब स्विच ऑफ होकर चालू हो रहा है थोड़ा सा लैग कर रहा है, बट ठीक ठाक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अपडेट करने के बाद उतना भी मतलब ड्रास्टिक चेंजेस नहीं आ चुका है, मतलब मोबाइल पूरा ख़राब ही नहीं हो चुका है, ठीक है, आप कर सकते हो। फ़ोन स्लो तो नहीं हुआ है अपडेट के बाद? भाई फ़ोन बिल्कुल भी स्लो नहीं हुआ है, ठीक चल रहा है, थोड़ा सा लैग ऐसा मुझे लग रहा है, बट आप लोग एडजस्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। भाई स्मूथ एक्सपीरियंस है क्या ऐप्स ओपनिंग और स्क्रोलिंग में? कोई लैग या फ्रेम ड्रॉप नहीं है पोको एक्सपोर प्रो में? बिल्कुल नहीं है भाई, ठीक है, बहुत मस्त चल रहा है, स्मूथ चल रहा है मेरे हिसाब से, जैसा मैं यूज़ कर रहा हूँ ठीक चल रहा है, आप लोग कर सकते हो इसको एंड्रॉयड 12 में अपडेट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बोल रहे हैं, भाई ये अपडेट तो आया है लेकिन डाउनलोड नहीं हो रहा है, सोल्यूशन बताओ? भाई डाउनलोड नहीं हो रहा तो आप क्या करो, सिंपली मोबाइल को स्विच ऑफ करो, फिर चालू करो, ठीक है। आप अपने वाईफाई से किसी कनेक्ट कर लो, मतलब किसी का हॉटस्पॉट ले लो, या फिर वाईफाई है तो नॉर्मली वाईफाई से कनेक्ट करो, उसके बाद करके देखो, शायद से हो जाएगा, बट नहीं होता है तो फिर थोड़ा सा इंतज़ार कर लो, या फिर एक और तरीके कर सकते हो, मोबाइल को रीसेट कर सकते हो, लेकिन रीसेट में आपको ये प्रॉब्लम होगा कि आपका सॉफ्टवेयर अपडेट जो आया है वो भाग भी सकता है, तो आप लोग ये बात ध्यान रखना, ये सॉल्यूशन है, ठीक है। भाई मेरा पोको X4 Pro है और मेरा एंड्रॉयड 11 है, 12 कैसे होगा? भाई अपडेट आ गया है, 12 कर लो। दूसरा इनका सवाल ये है, भाई मेरा मोबाइल में 3.0 GB के EL अपडेट आया है, कितना इस अपडेट में एंड्रॉयड 12 होगा क्या? भाई एंड्रॉयड 12 का ही है, 3 GB का अपडेट जो है ना एंड्रॉयड 12 है, तो फटाफट से जाओ एंड्रॉयड 12 अपडेट करो और काफ़ी मतलब अच्छे अच्छे चीज़ का एक्सपीरियंस लो, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है यहाँ पर, ब्रो मैंने भी अपडेट किया है लेकिन 4G प्लस अब शो नहीं हो रहा है, आप अपने फ़ोन में चेक करो प्लीज़। तो भाई मैं तो चेक नहीं कर सकता हूँ, बट आप अगर फोर्स करोगे तो मैं अपना उसमें का मतलब अपना जियो का सिम निकाल कर इस मोबाइल में डालूंगा, दूसरा जियो सिम, फिर चेक करूंगा, और अगर आप बोलोगे तो कमेंट करोगे तो ठीक है, ऐसा नहीं करने वाला, ठीक है। नेक्स्ट कमेंट है यहाँ पर, ब्रो जब मैं डाउनलोड कर रहा हूँ नेट यूज़ नहीं हो रहा है, डाउनलोड भी नहीं हो रहा है, तो भाई आप मोबाइल को स्विच ऑफ करो, चालू करो, सिंपली जैसे बताया हूँ पीछे वैसा, ठीक है। बस इतना ही कमेंट मैंने पिक किया है और ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, कोई सवाल हो, सुझाव हो, कोई चीज़ मैंने छूट गया हो, नहीं आपको इस मतलब वीडियो में कवर किया हो, तो आप लोग मुझे कमेंट में बताओ, उस कमेंट को मतलब ज़रूर से नेक्स्ट वाले सवाल में पिक किया जाएगा। और बस इस वीडियो में इतना ही था, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना,
और चैनल पे नए आ गए तो सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।